बेटा कंसंट्रेट अच्छे से खेलो हाँ कम ऑन यस मम्मा ये टू ओके वी हैव टू वेरी गुड ओनली फोर नॉट अ प्रॉब्लम आई विल विन टू 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 कम ऑन टू कम ऑन कम ऑन श्वेता ये लीजिए माय टर्न गिव मी ओके यस पापा मेरा तो एक बचा है आपका तो दो तो आप फिर से हार जाओगे पापा ने तो हारने में पीएचडी की है क्यों रे शालू ऐसा क्यों बोलती है सिर्फ चार बार तो हारा है मेरा बेटा। नहीं तो क्या सिर्फ चार बार ही तो खेला आपका बेटा अच्छा जी बच्चों के सामने कैसी बातें कर रही यार और वैसे वो भूल गई तुम्हारा दिल तो मैंने फर्स्ट टाइम ही जीत लिया था क्यों तुमने इसका मतलब मैं हारी थी मम्मा पूछना जरा कॉलेज के चक्कर कौन लगा था अंकित के साथ रोज रोज वो तो मैं पूजा के लिए आता था और वैसे भी आपको पता है पूजा कौन है ये मॉम अच्छा एक मिनट बेटा कॉलेज में तू कौन सा गाना गाता था गाना मैं ये गाना गाती थी मैंने कभी गाना गाया मैं गाना गाती थी मैं गाना गाती थी ऑफ कोर्स मैं गाना मॉम कौन सा गाती थी मॉम मैं गाना नहीं गाती थी ये गाता था तुझे देखा तो ये जाना सनम पापा आप कितनी बार हारते हो डाइस दो अभी मेरी बार दो मैं जीत गई ये पापा इधर बिना जय हनुमान ज्ञान को सागर जय कपीस तुनो को जागर राम दूत अतुली बलदामा जिनी पुत्र पवन सुत रामा अरे शाली मेरी पूजा खत्म होने वाली ब्रेकफास्ट रेडी है क्या मेरा हाँ हाँ आपकी पूजा से पहले पहुंच जाएगा मैं विक्रम जनक की कुमिति निवास समिति के संगी अरे शालिनी मेरा लैपटॉप जरा टेबल पर रखो यार ऑलरेडी टेबल पर पहुंच चुका है शालिनी देखो जरा फोन बज रहा किसका है वो तो तुम्हारे पड़ोसी का फोन है अच्छा मेरी पूजा खत्म होने वाली कपड़ों का क्या हुआ मेरे कपड़ों का क्या हुआ तैयार है संभाल के बेटा 8:30 लगी चोट हैव टू गो मॉम जल्दी खाओ बेटा चल बेटा हम भी निकलते हैं मामा मैं इसको रेडी कराती हूँ स्कूल के लिए राम 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 बच्चे तो बच्चे बड़े भी सारे इस घर में परेशान हैं लगता है सबकी ट्रेन छूट रही है ओफो ओह माय गॉड इट्स टू लेट अरे दो दिन ड्राइवर बोलकर गया था बाबा सुनिए नहीं आया उस ट्रैफिक गाड़ी चलाएगा कौन तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाएगा कौन ओफो आई बेटा बाय बाय टेक केयर चलो एक मिनट चलो चलो अंदर बैठो बेटा जल्दी पानी की बोतल बेटा जल्दी हरी अप कम ऑन दरवाजा बंद करो पानी देखो संभाल के आ चलिए ओके बाद में मिलती हूँ बाय बाय कम ऑन मूव फास्ट Good morning. Sir, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Sorry. Hey, Mr. Rao ji, how are you? Fine, sir. Oh my God. आपको देखकर कल मैंने बहुत डांट दिया एक्चुअली आपको. कल गलती आपकी नहीं थी. ट्रैफिक की गलती थी. Anyway, chill out, relax. Hey, Rosie ji, कैसी हैं आप? येलो में बहुत अच्छी लग रही हैं आप. Thank you, sir. अच्छा, वो DTP की फाइल आ गई है क्या? हाँ, आ गई. Very good. कमाल है. अच्छा, listen, वो बॉस आ गई क्या? उन्हें आए हुए जस्ट 2 घंटे हुए. 2 घंटे? लगी चोट, man. Good afternoon. Take your seat. Sorry sir, थोड़ा सा लेट हो गया. It's okay. By the way, congrats. International business progress की ओर से तुमने जो ट्रायल डाले थे, वो सब foreign company वालों ने accept कर लिए हैं. That's nice sir. That's very very nice sir. और अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग का डेट भी फिक्स कर दिया है. That's very good sir. देखिए ये लोग आ कब रहे हैं? अगले शुक्रवार 13th को. 13th? यार मेरे घर में एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है. मेरी बहन मानसी. मानसी? हाँ यार मानसी. क्या हुआ? प्यार व्यार हो गया क्या उसको? अरे प्यार होता तो कौन सी बड़ी बात. फिर क्या हुआ? मैं तो खुद उसकी शादी करना चाहता हूँ यार. यार रात में जग जाती है, उल्टी पुल्टी बातें करती है, कहती है मुझे आत्माएं दिखती हैं. आत्माएं? हाँ यार. क्या बात कर रहा है? तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना. मैं शाम को घर पर आता हूँ और हम लोग बैठ कर बात करते हैं, ठीक है? मानसी, how are you? मानसी, देखो कौन आया? क्या हुआ? सब इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो?
क्या मेरी शक्ल पर बंदर नाच रहे हैं? देखा सुमित, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये कुछ समय से ऐसा ही बिहेव कर रही है। अब तू आया है ना, अब तू ही समझा इसे। देखो मानसी, हम ही सब लोग गलत हैं। You are absolutely fine. Stop it. Don't try to bluff me. आपका शक है कि मुझे कुछ हुआ है ना? No. What? तो फिर मेरी भाभी रोती क्यों है? मेरे भैया परेशान क्यों है? तो फिर आप सब मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? रामदूत अतुल्य बल धामा जी पुत्र, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यह मेरा नाम श्रीनिवासम चिंतामणि अट्टापुरम पोट्टापुरम रमन्ना। मेरा नाम मानसी है। मानसी बहुत चौटाना, बहुत अच्छा। मेरे को तो ऐसा लगता आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है, मगर आपका भाई और वो भाभी बोल रहा था आपको कुछ प्रॉब्लम है। सिर्फ भैया और भाभी नहीं, वो सुमित है ना, सुमित। हाँ। मेरे भैया का दोस्त। हाँ। वो भी मुझे एक तांत्रिक के पास लेके जा रहा था। तांत्रिक के पास? अयो, ये जमाने में भी ऐसा लोग रहते रहते हैं क्या? है। हाँ, आप भी मेरी बेटी की जैसी ही हैं। वो भी मैं जो कुछ भी पूछा जवाब देती है। आप भी तो मेरे डैडी जैसे हो। हाँ। आपके हर सवाल का मैं जवाब दूँ। वेरी गुड। अब आपके डैडी कहाँ हैं? ऊपर, हमारा अस्पताल के ऊपर फ्लोर में। और ऊपर? आई एम सॉरी, He's no more. No more का मतलब है इस दुनिया में ना होना। लेकिन मेरे डैडी तो मुझे दिखाई देते हैं। अच्छा, ये बताइए आपके डैडी का देहांत कैसे हुआ? हर रोज सुबह मैं हंसते हुए उनके पास गुड मॉर्निंग बोलने जाया करती थी। पापा, पापा, गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। उस दिन भी मैं हर रोज की तरह गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग पापा, उठो घूमने के लिए जाना है। पापा उठो ना, पापा उठ क्यों नहीं रहे आप? पापा आपको क्या हुआ? पापा क्या कर रहे हो? प्लीज उठो ना पापा, देखो आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है। लेकिन डैडी के चेहरे पर से वो मुस्कान हटी नहीं थी। पापा की आत्मा कहाँ है अब पंडित जी? आत्मा अपने शरीर छोड़ने के 13 दिनों तक अपने प्रांतों के आस पास ही घूमती रहती है बेटी। इस प्रकार के श्राद्ध कर्म करने से आत्मा को शांति मिलती है। और एक दिन जब गर्मियों की छुट्टी में मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? आत्माओं को ढूंढने का खेल। क्या आत्माओं को ढूंढने का खेल? और फिर मेरी एक सहेली ने मुझसे कहा कि हम मोमबत्ती के चारों तरफ बैठ जाते हैं और एक टक मोमबत्ती की लौ को देखते रहते हैं और मन ही मन हम दोहराएंगे कि आत्माएं हमें दिखे, आत्माएं हमें दिखे। वाकई कोई आत्मा को देखने की तमन्ना करता है तो उसे आत्मा जरूर दिखाई देगी। ओके, बी अलर्ट। ओ व्हाट अ सिली गेम। मगर वो गेम मुझे सिली नहीं लगी। और गजब की बात तो ये है डॉक्टर कि अब तो मुझे कई आत्माएं दिखाई देती हैं। अंकित, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, यह बहुत छोटा प्रॉब्लम है। ऐसा आत्माओं को दिखाई देना हमारे मेडिकल टर्म्स में विजुअल हेलुसिनेशन कहते हैं। मैं 10 दिन के लिए कोर्स लिख कर दूंगा एंड शी विल बी ऑल राइट। ओके? यस डॉक्टर। राइट। सुनो, इस डॉक्टर की बात का यकीन मत करना। मैं हमेशा डिप्रेशन में रहा करती थी और आत्महत्या करने की कोशिश करती थी। मेरे घर वाले इसी के पास इलाज के लिए लाया करते थे और ये कहता था बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, मैं 10 दिन में इसका इलाज कर दूंगा। और मुझे इसके हॉस्पिटल में ज्वाइन किया गया। बहुत कोशिश की इसने लेकिन अंत में डिप्रेशन में आकर मैंने आत्महत्या कर ही ली।
डॉक्टर जी, मेरा केस तो बहुत छोटा है ना? हाँ, बहुत छोटा प्रॉब्लम है। विजुअल हैलुसिनेशन है ना? हाँ। इन आत्माओं का होना, दिखाई देना, सब बकवास है ना? सब बकवास है। अभी थोड़े दिन पहले आपके हॉस्पिटल में एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ, मगर आपको ये कैसे मालूम है? अभी उस औरत की आत्मा मुझे दिखाई दी। आप तो हमेशा ऑफिस के काम में ही बिजी रहते हो, हमें कहीं नहीं लेके जाते। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा के पास दूसरों के लिए टाइम है, हमारे लिए कहाँ। कल निधि के पापा उसे मॉल लेके गए थे और तुम्हारे पापा तुम्हें चांद पर लेकर जाएंगे। अरे भाई, सब प्लान हो चुका है। पापा प्लान? भाई संडे को हम सब पिकनिक में जा रहे हैं ना। हे भगवान, मेरे छोटे छोटे उधार खत्म करवा दो, जॉब में प्रमोशन दिला दो, श्वेता की पढ़ाई अच्छी करवा दो, माँ की तबीयत सुधारो भगवान। पापा पापा, आप आँख बंद करके भगवान से क्या बात कर रहे थे? बेटा, जो भगवान से बात करते हैं वो बच्चों को नहीं बताते। पर आप ही तो कहते हो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। देखो, हम पिकनिक जा रहे हैं ना, वहाँ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? जैसे फूल खिलते चमन में, जैसे कोयल कूके वन में, जैसे रंग छलकता जीवन में, ऐसा अपना संसार है, ये छोटा सा परिवार है, ये छोटा सा परिवार है। कितना प्यारा बचपन का दिन, वो मस्तियाँ और वो रिमझिम, तेरे आंचल में मुझे ही रहना, तेरी पनाह में पलते रहना। एतबार तुम्ही, साथ तेरा तो क्या है कमी। जैसे परियों का ये जहां हो, जैसे हंसता हुआ आसमां हो, ऐसा नूर छलकता कहां हो, ऐसा अपना संसार है, ये छोटा सा परिवार है। इतनी खुशियाँ मैं तुझे दूंगा, पलकों पे अपने सजा के रखूंगा, पलकों पे अपने सजा के रखूंगा। आया है घर में मेहमान कोई, जन्नत की खुशियाँ लेकर आई, बरसों के चाहत आए जग को ये रोशन करने वाली। फूलों फलों तुम रोशन करना, सबको खुशियाँ
सबको खुशियाँ लुटाते रहना, जैसे परियों की ये शहजादी, देखो तितलियों सी मुस्कुराती, जैसे चांदनी छलकती, ऐसा अपना संसार है, ये छोटा सा परिवार है, ये छोटा सा परिवार है, ला 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 ला। सुनिए, मानसी रात को फिर से दीवारों से बातें कर रही थी। अब तो अकेले में मुझे डर लगने लगा है। देखो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो। सब ठीक हो जाएगा। Today I will do it, man. लगी चोट। लगता है आज भी मैं लेट हो जाऊंगा। घड़ी तो जैसे दौड़ रही है। पापा, पापा, आप झूठ बोलते हो। What happened? क्या हुआ? भगवान से क्या मांगा था? ओ, मैंने भगवान से क्या मांगा था? कब? आप पिकनिक पे बताने वाले थे ना? I'm so sorry. बेबी, नेक्स्ट संडे हम फिर पिकनिक जाएंगे और फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? आज छुट्टी लेके चले? Naughty girl. बिल्कुल नहीं, आप मेरे होते हुए स्कूल नहीं छोड़ सकते। हे भगवान, मेरी मम्मी को समझाओ। अच्छा, रियली? आपके लाड प्यार ने से बिगाड़ा है। अब आप चलिए जल्दी से। ओके ओके, आशीष, गाड़ी फिर तेज चलाते जैसा आप कहो। चलिए भी। ये तो सिर्फ मनी प्लस का पॉलिसी है, लेकिन ओके ओके, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरा जो ये पैसा है सारा का सारा LIC का, ये मेरे परिवार को मिलेगा? ऐसा नहीं है कि LIC करो और मरो, ये आपके सुरक्षा के लिए जीवन भर के लिए रखा है, पैसे की तकलीफ नहीं होने के लिए। ठीक है, ठीक, मैं आपसे बात करूंगा। बाय। गुड न्यूज सर। गुड न्यूज क्या जुली? सुमित सर का प्रमोशन हो गया, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। थैंक गॉड। गॉड को थैंक्स बाद में करना, उनका दिल्ली ट्रांसफर भी हो रहा है। हाँ बोल अंकित। अरे तेरे वो असाइनमेंट था ना दिल्ली वाला, वो पास हो गया है। सच? हाँ सच यार, बधाई हो। और एक अफसोस भी। अफसोस और खुशी दोनों बातें साथ साथ। तू कहना क्या चाहता है यार? तेरी ट्रांसफर दिल्ली कर दी गई है। लकी चोट। क्या क्या बोल रहा है यार तू? सुमित, हेलो सुमित, तू सुन रहा है ना मेरी बात? हेलो सुमित। लेकिन अब होगा क्या? हेलो सुमित, श्वेता की पढ़ाई का क्या होगा? और हेलो, दिल्ली में तो बहुत ठंड होती है, मां ठंड बर्दाश्त कैसे करेगी? और अंकित तो मेरे बगैर रह ही नहीं पाएगा, मुझे ये ट्रांसफर कैंसिल करना ही पड़ेगा। क्या हुआ शालू? शालू संभाल के, कांच चुभेगा। ध्यान से ही तो कर रही थी माँ, अचानक गिर गया। जाने दो बेटी, सुमित के आते ही शाम को नया कांच लगवा लेना। सुमित के आते ही? मैं तो आ चुका हूँ माँ। ओम नमः शिवाय। बेटी देखो कोई आया है। मैं देखता हूँ। शालू संभाल के। अरे अंकित, आप यहाँ? अचानक? लेकिन सुमित तो घर में नहीं है, कैसे आना हुआ? कुछ काम था? आइए ना, मैं भी कितनी पागल हूँ, आइए ना। भाभी, I'm not afraid to die.
कितना मजा रहा है, कितनी शांति है यहां, आनंद ही आनंद, एक एक करके सारे बंधन छूट रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ सुख शांति ही शांति है। इतने समय तक मैं उस अंधकार में कैसे रहा। हाँ समझा, अपने कर्मों को भोगना ही जीवन है। हाँ अब मैं सब समझ चुका हूं, कर्मों को भोगना ही जीवन है। अरे वो क्या, दूर कहीं एक नया लोक नजर आ रहा है मुझे। मुझे उस लोक में जाना है, उस नए लोक में। तुम अभी अपने नए लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कौन हो? मैं हूं मोह माया। मोह माया, आखिर तुम मुझे इस लोक में जाने से क्यों रोक रहे हो? मेरी वजह से तुम जैसे लोग इस लोक में आते हैं। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यह तुम्हारी बस की बात नहीं। तुम मुझे उस लोक में जाने से कभी नहीं रोक सकते। तुम अपनी प्राण से प्यारी श्वेता को भूल गए? हाँ अपनी प्यारी बच्ची को, अपनी जान से प्यारी पत्नी को भूल गए? तुम्हारी मां, तुम्हारा दोस्त। तुमने तो LIC करवाया था ना, कहाँ है वो कागजात? आखिर क्या हुआ उन कागजातों का? क्या उन कागजातों को अपने परिवार वालों तक नहीं पहुंचाओगे? सही है, ठीक कहा तुमने, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा पूरा परिवार तहस नहीं सो जाएगा। नहीं ये हुई ना बात। तो मैं मर चुका हूं। मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो चुकी है। अगर मैं फिर से इस शरीर में प्रवेश कर लूं तो? हाँ ये विचार तो आज तक किसी आत्मा को आया नहीं होगा। हाँ मैं फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर सकता हूं। ये क्या सिर्फ, इसका मतलब सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मैं आत्मा हूं। ये कैसा पल है, कैसा पल है जिसने किया मुझको अपनों से जुदा, अपनों से जुदा। मेरी किस्मत का ये लेख, मेरी किस्मत का ये सा पल है।
तो अंधेरे ही अंधेरे, उजालों की तलाश में हूँ। ना जाने कौन सी है मंजिल, मैं किस मुकद्दर का हूँ साहिल, मेरा कौन है से हुआ मैं गुमशुदा, ये कैसा पल है, ये कैसा पल है। कैसा है मंजर, ये कैसा है असर, सब अपने हैं फिर क्यों बेखबर। किस गुनाह की है सजा है, किस जन्म का है ये फल, आज ऐसा हूँ और क्या होगा कल। गुजरे जो दिल के पल पल, गुजरे जो दिल के पल पल, क्यों बेचैन है मेरा मन। जिंदगी ने की ये कैसी वफा, कैसा पल है। क्यों गिड़गिड़ाते हो मेरे अपने, मेरे पराए, पूरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। ये सब नाटक है। नाटक? हाँ हाँ नाटक, क्योंकि मर जाने पर कोई किसी का नहीं होता। तेरा कौन, मेरा कौन, कौन अपना कौन पराया, घर बार माँ बाप, ये पिछले जन्मों का बंधन, जब शरीर छोड़ दिया तो बंधन क्या रहा। सच तो क्या मैं ये देह छोड़ चुका हूं, तो फिर मैं ये अपने पराए और अपनों के बंधन में क्यों पड़ा। क्योंकि हींग बांधे कपड़े से कपड़े के खप जाने के बाद भी बास नहीं जाती बच्चू। हंसो मत, मैं करके दिखाऊंगा, अपने और परायों के बंधनों से मैं मुक्त होकर दिखाऊंगा। वो तो हर एक को होना ही पड़ेगा, क्यों। गाना मैं, ये गाना गाती थी, मैंने कभी गाना गाया? मॉम, मैं गाना नहीं गाती थी, ये गाता था। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अरे दो दिन ड्राइवर बोलकर गया था और 10 दिनों से नहीं आया। उस ट्रैफिक गाड़ी चलाएगा कौन, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाएगा कौन। श्वेता बाय बाय, टेक केयर। पापा पापा, आप आंख बंद करके भगवान से क्या बात कर रहे थे? बेटा जो भगवान से बात करते हैं वो बच्चों को नहीं बताते। आपके लाड प्यार ने से बिगाड़ा है, अब आप चलिए जल्दी से। ओके ओके, गाड़ी फिर तेज चलाते हैं, चलिए भी। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, पापा आप कहाँ चले गए, मैं बोर हो रही हूँ।
मम्मा मम्मा पापा कहाँ चले गए? बेटा पापा गॉड के पास चले गए। पर क्यों? गॉड को जो लोग अच्छे लगते हैं उन्हें गॉड अपने पास बुला लेते हैं। पर मेरे अंकित अंकल भी तो अच्छे हैं और मेरी अल्पा मैम भी तो अच्छी है, फिर गॉड ने उनको क्यों नहीं बुलाया? आपके पापा सबसे अच्छे हैं ना, इसलिए। पर मम्मी गॉड को बोलो ना पापा को वापस भेज दे, उनकी बेटी उनका इंतजार कर रही है। मम्मी बोलो ना। मम्मी क्यों नहीं बोलते आप? बेटा गॉड पापा को वापस नहीं भेजेंगे। मम्मी बोलो ना। नहीं आएंगे पापा वापस, जाओ यहाँ से। ये सुमित भी इडियट है, इसको भी अभी मरना था। इस पे भरोसा करके मैंने ढेर सारे प्रोग्राम बना डाले, सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया इसने। ओके सर, ओके। तो ये सब कुछ सोचते थे आप मेरे बारे में? हाँ, और भी कुछ दिल में है? निकाल लीजिए उसको, निकाल लीजिए उसको बाहर। पर हाँ, इसकी मौत से तो मुझे फायदा हुआ, इसका प्रमोशन मैं किसी और को भी दे सकता हूँ। बदमाश, मोटे, शर्म नहीं आती तेरे को? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तेरे को मोटे। लेकिन सुमित की पोजीशन तो कोई भी नहीं ले पाएगा। वाह रे मनुष्य वाह, कितना स्वार्थी है ये प्राणी। ना तो मुझे को देख सकता है, ना ही कोई सुन सकता है। मैं करूं तो करूं क्या? करता, प्लीज प्लीज कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। हे ईश्वर मदद करो। भैया मानसी देखो तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये क्या है? ये एक ताबीज है, इसे पहन लो। भैया देखो बेटा, आज मैं एक तांत्रिक के पास गया था, उसने कहा है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। देखो मानसी तुम इसे पहन लो, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। भैया भाभी आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। भरत समझाओ जरा मानसी को कि ताबीज पहन ले। भैया मुझे समझाना तो आपको है, मैं कब से कह रहा हूँ कि आप मानसी को ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लेकर आइए, लेकिन आप तो आज भी इन पुरानी अंधश्रद्धा की बातों पर विश्वास करते हो। जी भैया मैं आपके साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं ये ताबीज वाबीज नहीं पहनूंगी। ताबीज वाबीज के चक्कर में क्यों पड़े हैं आप? सेंटर में आकर राजयोग द्वारा अपने मन को परमपिता परमात्मा से जोड़े और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करें। मानसी आज हम आपको मेडिटेशन के बारे में बताएंगे जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी दीदी, यही जानने के लिए मैं काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। मेडिटेशन का पहला स्टेप है स्वयं को जानना। अभी मैं आपसे पूछती हूँ आप कौन है? मैं तो मानसी हूँ। ये आपके शरीर का नाम है, शरीर एक वस्त्र मात्र है जिससे हम बदलते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है दीदी? इसका मतलब जैसे हम रोज ये वस्त्र पहनते हैं और परिवर्तन करते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और छोड़ती है। तो क्या शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है? आत्मा ही इस शरीर द्वारा कार्य करती है जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो क्या दीदी मैं भी एक एनर्जी हूँ? हाँ, जिसे हम शक्ति या आत्मा कहते हैं। दीदी जैसा कि आपने अभी कहा कि हम सब आत्माएं एक एनर्जी हैं और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती,
लेकिन हम तो मर भी जाते हैं। हम आत्माएं कभी मरती नहीं। ये जो हमारा शरीर है ये मर जाता है। ये शरीर प्रकृति है जो पंच तत्वों से बना हुआ है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। जी, अच्छा आत्माएं अपने शरीर को छोड़ने के बाद जाती कहाँ है? हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हमें अपना हिसाब किताब चुकतो करने के लिए और एक नया जन्म लेना पड़ता है। जी, अच्छा तो जब आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है, यानी कि जब हम मर जाते हैं, तो दूसरा जन्म कब और कहाँ लेते हैं? जब गर्भ में 4-5 महीने का शरीर तैयार हो जाता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है और एक नया जन्म मनुष्य योनि में ही लेती है। तो मानसी, अब आप समझी आप कौन है? मैं एक आत्मा हूँ। दान को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे अब सब कुछ याद हो रहा है। मैं अपनी तड़पती मां की आंखों के आंसुओं को नहीं रोक सकता, अपनी बेटी को गोद में नहीं उठा सकता, अपनी पत्नी को छू नहीं सकता। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? आखिर ये सजा मुझे ही क्यों मिली? कर्म बच्चे, कर्म, पिछले जन्म का कर्म। कर्म जैसा होगा फल भी वैसा ही होगा। ठीक कहा आपने। जीवन काल में सबको प्यार करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सबको प्यार बांटना चाहिए, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने लगता है। आखिर इस मनुष्य को सदगति मिलेगी कैसे? तुम मरे, तुम्हारा कुटुंब मरा, यहाँ कोई अपना नहीं होता। लेकिन ये तो मरने के बाद ही पता चलता है, जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। सुमित, तुम्हारा भाई हमेशा मुझे बोलता था, सुमित, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। लेकिन आज तुम्हारे सिवा कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। जरूर करूंगी सुमित, कहो कैसी मदद चाहिए? तुम फिकर मत करो सुमित, मैं आज से ही तुम्हारे काम में लग जाऊंगी। सर, ये रहे आपके सारे पेपर्स, एक बार चेक कर लीजिए। कमाल है मैडम, आपने बहुत जल्दी अपना काम करवा लिया है। सुमित जी बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जैसा दोस्त मिला।
बच्चे, आपका इस वतन में स्वागत है। आप कौन है? मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता, प्रकाशमय परम पिता परमात्मा हूं। लेकिन आपने मुझे मेरे परिवार से अलग क्यों किया? बच्चे, वो तुम्हारे कई जन्मों के कर्मों का फल है। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे मेरे परिवार के पास वापस जाना है। बच्चे, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब उस परिवार से खत्म हो गया, तुम्हें अब दोबारा जन्म लेना होगा। अब तुम वापस अपने वतन में जा सकते हो। सुमित, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूं। मैंने इस गगनमंडल में एक महान दिव्य ज्योति के दर्शन किए हैं, वो स्वयं करुणा सागर, शांति के सागर, इस संसार का उद्धार करने वाले परमपिता परमात्मा थे। उस दिव्य आत्मा ने मेरी आंखों में ज्योति दिखाकर कहा, हे प्रिय पुत्र, LIC करने का मतलब इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाले किस जन्मों के लिए पुण्य सामग्री को संचित रखना है। मैं अब बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं, मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, हम आत्माएं तो अमर हैं, अविनाशी हैं। इस संसार में मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उसके काम आते हैं, इसलिए तुम भी ऐसे कर्म करो जिससे सबको सुख और शांति मिले। अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे जाना है, दूसरा जन्म लेना है। शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। शालिनी, मुझे इस चीज का एहसास नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम अपना और श्वेता का ख्याल रखना, इसे किसी भी चीज की कमी मत होने देना। मैंने हमेशा इसका बहुत ध्यान रखा है। कल से तुम लोगों का एक नया दिन शुरू होगा, एक नया सवेरा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, सिर्फ खुशियां। मुझे माफ कर दो मां, मैं आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अब मुझे जाना है, मेरे जाने का समय आ चुका है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो मां, मैं आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना मां। Hey,
चला तय करने एक अनोखा सफर जिसकी मंजिल है इस दिल की वो खुदा का घर छोड़ चला रिश्तों की महफिल आनंद की अब राहें मेरे मकसद में हुआ सफल मैं इतना मुझे खबर मैं चला क्या हुआ कुछ नहीं मैंने एक सपना देखा आपका दोस्त सुमित हमारे घर की चौखट पर खड़ा है पारो मेरी भी एक तमन्ना है क्या कि सुमित हमारे घर जन्म ले सच में मेरी भी यही तमन्ना है आत्मा सुमित की आत्मा जहाँ कहीं भी हो उसको सुख शांति और सदगत मिले सुमित के परिवार को इतनी शक्ति दो जिससे वो सुमित के अधूरे कार्यों को पूरा कर अपने दायित्व का निर्वाहन कर सकें ओम फट स्वाहा चिंता क्यों करता है यार मैं मर के आऊंगा ना भाभी की कोख में नमस्ते यह है आपका भविष्य जो सुमित आपके लिए छोड़कर गया है इसको संभाल कर यूज करिएगा धन्यवाद तो आप मानसी को देना चाहिए धन्यवाद तो मुझे उस ईश्वर को देना चाहिए जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा वन टू थ्री फोर ओके ये मेरा वन टू थ्री फोर
मेरा टर्न है, मेरा टर्न। अब मैं 1 2 3 स्त्री या 1 2 3 1 2 3 लगी चोट। दीदी मैं जीत गई, आई एम द विनर। दीदी यू चीटर, तूने चीटिंग की, तुम नहीं जीती। मैं लास्ट टाइम भी जीती थी और इस टाइम भी जीत गई। दीदी यू आर अ लूजर, ये आई एम द विनर, आई एम द विनर। मैंने चीटिंग नहीं की है, मैं जीत गई हूँ। ये झूठ बोल रही है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, अरे कितने लड़ते हैं तुम लोग, क्या हुआ? लगता है पिछले जन्म में बहुत प्यार रहा होगा इन दोनों के बीच, इसलिए इतनी लड़ाई कर रही है। अरे छोड़ो छोड़ो, मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। चलो 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 चलो, हाँ चलिए जल्दी, लेट हो जाएंगे। मामा आज मंदिर में बहुत मजा आएगा। चलो चलो, आप लोगों ने देखा, यही थी मेरी कहानी। मुझे कभी कभी एहसास होता है कि मैं ही सुमित थी, मगर ना तो मैं सुमित थी और ना ही मैं सपना हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। कितना बड़बड़ाती है तू, चल जल्दी, लेट हो रहा है। अरे जल्दी करो, चलिए देर हो रही है। जी बुआ चलिए। दीदी चलो ना जल्दी अंदर। मीठे बच्चों, आप आत्माएं मेरे ही बच्चे हो, आप मेरे ही घर से यहां आए हो, इस सूर्य और सितारों से दूर। ये फरिश्तों का सूक्ष्म लोक है। इससे भी दूर एक अन्य लोक है, जहां आप आत्माएं विदेही, क्रिया रहित, विचार रहित तथा शांत अवस्था में निवास करते हो। ये लोक आप आत्माओं का लोक है, जिसको आप ब्रह्म लोक, परम धाम, निर्वाण धाम आदि नामों से जानते आए हो। आप सभी आत्माएं पृथ्वी पर इसी लोक से गए हो। यह लोक आप आत्माओं का प्यारा घर है। वो पृथ्वी एक रंग मंच है, जहां आप आत्माएं देह रूपी वस्त्र को धारण कर अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हो। अब अपने आप को एक अविनाशी आत्मा समझ मुझ परम प्रिय परम पिता परमात्मा को इस घर में याद करो, याद करो, याद करो। कौन किसका है यहां पर, ये तो है भूल भुलैया। मुक्त हुआ मैं हर बंधन से, छोड़ दे की दुनिया। जिसको समझा मैंने अपना, रेती में जैसे हो पानी, जितना आया में हुआ सफल मैं, इतना मुझे खबर। मैं चला तय करने एक अनोखा सफर, जिंदगी में कल्याण की है छवि। सुख दुख के इस मेले में खेल है आना जाना, मैं ये समझा है ज्ञान जो आत्मा को कैसे सजाना। मेरे मकसद में हुआ सफल मैं, इतना मुझे खबर।